भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। इस दौरान विशाल अनुसूचित जनजाति महाकुंभ का आयोजन किया गया, जहां हजारों की संख्या में आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। विजय राघवगढ़ के बरही नगर में भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में विशाल अनुसूचित जनजातीय महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान हजारों की तादाद में आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में विजय राघवगढ़ विधायक और पूर्व मंत्री संजय सत्येंद्र पाठक मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक संजय पाठक ने कहा कि वो आदिवासियों की तहे दिल से इज्जत करते हैं। बचपन से लेकर आज तक उनका समय आदिवासियों के बीच कटा है। ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आदरणीय भगवान बिरसा मुंडा जी को एक पूरे देश और विश्व के सामने पहचान दी और उनके जन्म जयंती के अवसर पर ये गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया। वहीं माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार आदरणीय शिवराज जी ने आज 15 नवंबर को छुट्टी घोषित किया, अवकाश घोषित किया। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की योजनाएं आदिवासी समाज के जीवन को उठाने के लिए तो दे ही रहे हैं। घर, जमीन, मकान, पट्टा, व्यवसाय, किसानी में सहयोग, सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। उनके बच्चों की शिक्षा के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, बेटियों के लिए कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ा काम जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी ने किया, जनजाति समाज के लोगों को गौरव दिलाने का काम किया, इनको समाज में एक सम्मान दिलाने का काम किया। मैंने भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का अनुसरण करते हुए और ये जनजाति गौरव दिवस मनाने का, इस आदिवासी महाकुंभ करने का निर्णय लिया। और मेरे को ये सौभाग्य मिला कि आज 25-30 हज़ार से ज़्यादा लोग सपरिवार, मैं बच्चों सहित यहाँ पर पधारे। पूरे न केवल विधानसभा बल्कि संपूर्ण कटनी जिले और आसपास के जिले से लोग आए। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।